छोड़ा है उसे? परेशान जी। तो नहीं हो रही थी ना? अरे नहीं, परेशान होने वाली क्या बात है, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। आप उसे आज भी एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती हैं। मेरे लिए तो आज भी वो छोटी बच्चों की तरह ही है। तुम जानते तो हो मैं कितनी फिक्रमंद रहती हूँ उसके लिए। मत किया करें उसकी फिक्र, वो बहुत अच्छा ख्याल रख लेगी अब। चलें, परेशान मत हो, मुझे अच्छी सी कॉफी पिलवा दी प्लीज। अच्छा चलो। आपकी मौजूदगी ने इस वीडियो को चार चांद लगा दी। अगर आपकी इजाजत हो तो ये वीडियो अपलोड कर दूं? चला गया हो? प्लीज रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो। जी जी, आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके बाय। पप्पू, कॉफी बन गई क्या? हाँ कॉफी बन गई है, लेकर आ रही हूँ। आपकी मौजूदगी ने इस वीडियो को चार चांद लगा दी। अगर आपकी इजाजत हो तो ये वीडियो अपलोड कर दो। जी आप अपलोड करना चाहती हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू। पप्पू आई एम वेटिंग। आ गया। जी आप अपलोड करना चाहती हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। Oh my God, क्या आवाज है यार बंदे की। शमशा जी, अरे क्या जा रही हो तुम कहीं? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? तो फिर इतना तैयार क्यों हुई हो? हम भी टिकटॉक बनाने के लिए तैयार हुई हूँ। शमशा अबू जी, लगता है मेरी रिंग लाइट लेकर आ गए। आराम से भाई। जी अबू जी, आ रही हूँ। आगे आगे। उसके अबू ने इसका दिमाग खराब किया है। शमशा जी, अबू जी आ गए। लो भाई तुम्हारी लाइफ। लेके आ गए आप, कितने अच्छे। थैंक यू। मेरी बेटी को फरमाइश करे तो मैं पूरी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक यू अपू। क्या जरूरत थी ये लाने की? आप बिना इसकी हर जिद पूरी करते। आपके इसी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है। एक बेटी है हमारी बेगम साहब, अगर उसके भी लाड नहीं उठाएंगे तो क्या मोहल्ले वाले को उठाएंगे? खाना लगाए, मैं मुंह धोकर आ रहा हूं। जी जी। अरे बाप, तो ऐसी टिकटॉक बनाऊंगी ना अम्मी, आप देखती रह जाएंगी। रमशा, रमशा, मैंने तुम्हें कहा था ना जरा किचन में जाके दूध देख लो, चूल्हे पे रखा है। आई एम सो सॉरी चाची, बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। आई एम सो सॉरी। जाहिर है इन चीजों से, मोबाइल से ध्यान निकले तो कहीं और ध्यान दो ना भाभी, की बेटी का ना किसी काम में कोई ध्यान नहीं हो। अरे सलमा क्या हो गया? हर वक्त मोबाइल हाथ में होता है, वीडियोस में लगा रहता है ध्यान। जाहिर है कोई काम क्यों करेगी? मैंने इसको कहा था किचन में जाके दूध देख लो। मेरी बेटी ऐनी भी तो है ना, उसे मैं जो भी काम कहती हूँ उतनी जिम्मेदारी से करती है, मगर ये किसी बात पे ध्यान नहीं देती। मैंने सुबह ही चूल्हा साफ किया था। आए जरा किचन में चल के आप चूल्हे का हाल देखें क्या हो गया है। दूध जल जल के ना सारा जम गया उसके ऊपर। अरे सलमा परेशान मत हो, चूल्हा मैं साफ कर दूंगी। भाभी बात चूल्हा साफ करने की नहीं है, वो मैं भी कर सकती हूँ, मगर लड़कियों के हाथ में हर वक्त मोबाइल और ये वीडियोस बनाना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। एनी, एनी बेटा चलो मेरे साथ जरा किचन में। थक गई हूँ आज से टिकटॉक्स बना बना। वैसे चेक तो करूं जरा कितने लाइक्स और व्यूज आए। वाओ, इस वीडियो के लाइक्स और व्यूज तो मेरी बाकी वीडियो से ज्यादा है। लेकिन फिर भी बाकी लोगों के मुकाबले में अभी भी मेरी वीडियो पे लाइक्स और व्यूज बहुत कम है।
रिप्लाई नहीं कर रही तो आया। मैं रमशा फ्रॉम नाजमाबाद। नहीं नहीं, नाजमाबाद तो अजीब सा लग रहा है। क्लिफ्टन। लॉक? सब लॉक होगा। 5 लॉक 5। स्टूडेंट हूँ और आप? से देखते में बिजनेसमैन ही लग रहा था। ड्रेसिंग भी तो क्या कमाल थी यार। और बात करती ये लो। तुम्हें पता है मेरी उससे कॉल पे पूरा 1 घंटा बात हुई है और इतनी देर में वो मुझे इतना कोई डिसेंट लगा, इतना सोबर लगा और हैंडसम तो वो अच्छा खासा है और अमीर भी है। पता है मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल चेक कर ली, हर एक एक पिक्चर को अच्छे से चेक किया। रमशा की प्रोफाइल देखकर फेक होती है और आपके लिए सब बहुत चल रहा है। बात सुनो, मैं इतने सालों से सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि फेक प्रोफाइल कौन सी है और रियल प्रोफाइल कौन सी है। तो ये तो मुझे ना ही बता। तुम्हें याद नहीं है शाजिया के बॉयफ्रेंड को भी मैंने ही पकड़ा था फेक प्रोफाइल बना के, वो कैसे तुमसे आपको पागल बना रहा था। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। खैर ये छोड़ो ना, ये बताओ के बात क्या हुई? कुछ नहीं, बस ऐसी हाय हेलो। 1 घंटा हाय हेलो नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन झूठ नहीं बोलो मुझसे। ज्यादा बात नहीं, आओ तुम बताती हूँ क्या क्या।